जीते रहो बेटा, खुश रहो। तुम्हें पता है अम्मी आज यहाँ बहुत दिनों बाद आई हैं। कह रही थी ऐसा हो ही नहीं सकता हमारी दुल्हन के साथ पहले दिन मैं बाहर ना बैठू। थैंक यू भाभी, आज आपकी बदौलत हम भी अम्मी के साथ नाश्ता कर लेंगे। ये नेहा की जगह। गौहर कोई बात नहीं, यहाँ आके बैठो ना। वैसे भी वो जगह बहुत तंग है, एक बार वहां कोई बैठ जाए तो उठना मुश्किल हो जाता है। क्या हुआ? सबके सामने क्या किया है आपने भी? क्या कर दिया मैंने? नेहा भाभी की जगह आज भी उस मेज पे, सीरियसली। अगर कह दिया तो क्या बुरा किया? तुम लोगों को आज तक उस जगह पे नहीं बैठने दिया तो उसे क्यों बैठने दो? क्यों अपनी जिंदगी को आप तबाह करने पर तुले हुए हैं? ठीक है, हम सब आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन दूसरों के भी एहसासात होते हैं। मैंने तुम सबको और उसे बता दिया था कि मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे। मान लिया, शादी कर ली, उसे इस घर में ले आया, मुनीबा को उसकी साथी मिल गई, मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम लोग अपना वादा पूरा करो, मेरा पीछा छोड़ दो। नीम की गोलियां खाने वाली थी मुनीबा उस दिन। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे नींद नहीं आती। कभी सोचा है उसके मासूम से दिल पर क्या गुजरती होगी जब आप उसके साथ अजनबियों वाला सुलूक करते हैं? क्या महसूस करती होगी वो जो उसने सोचा किसी की गोद में सर रख के सोने से बेहतर है कि वो नींद की गोलियां खाए? इतने अरसे बाद खुश थी वो, इतनी खुश थी कि कोई नया इस घर में आ रहा है जो उसका अकेलापन दूर कर देगा, अकेला नहीं रहने देगा। लेकिन नहीं, नहीं बर्दाश्त हुई ना आपसे उसकी खुशी। अरे फरियाल,